वहाँ देखो, वहाँ जन्नत जन्नत, भयंकर चालान कट रहे देखो, वो देखो हमारी स्पीड वहाँ पे नोट हो गई। और इन वादियों में चाय के मजे चल रहे देखो गाइस। हम देख रहे थे यहाँ पर इतने लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे माँ बहन की। अगर आप लोग ही अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि में चीज़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो आप बाहर से आए हुए लोगों से कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये देखो भाई, सुबह सुबह भी चैन नहीं है संडे को। हेलो दो, सुबह की चाय चुस्की के साथ मजा आ गया। कोहरा तो है वहाँ देखो ना। हेलो एवरीवन, हियर इज द अदर एपिसोड। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पहले से व्लॉग में। एंड मैं अपने फोन को आज ऐसे पहली बार अपने सामने रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखो दाव भी पहुँच गए हमारे, और आज हम आपको दिखाएंगे अलग ही जगह। हमें भी नहीं पता देवल सारी कहाँ पर है, क्या है, बस इन्होंने बोला चलना और हम जा रहे हैं बस। कोहरा बहुत भयंकर लगा हुआ है, और दो तीन संडे हो गए कि हम बोल रहे चलना है चलना है चलना है, पर सुबह फिर हमारा वही होता है, हमारे आठ ही नहीं बज पाते हैं। आज आठ नहीं, आज सात बज गए, आज सात बज गए, पहले एक घंटे पहले उठ गया। ठंडा हो रहा बट एकदम तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को इतनी सुंदर वाली जगह दिखानी है तो जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा ना, बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो आज का लाइनअप कुछ ऐसा है, एंड हमारे दाव ऊपर जा रखे हैं अभी, मेरा वो ऑडियो कनेक्टर छूट गया था फ़ोन का, तो अभी देखो गाइस आज आने वाला मज़ा है। तो अभी बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट, लेट्स गो ब्रो। जय शंभो। अब ज्यादा मजा आएगा पता है, क्योंकि अब कोहरा हटेगा, रोड खाली रहेगी पूरी। सूरज देवता भी उदय हो चुके हैं देखो, भयंकर चालान कट रहे देखो, वो देखो हमारी स्पीड वहां पे नोट हो गई, वो देखो 19। ओ भाई, तो भाई जब देहरादून आ रहे हो तो थोड़ा संभाल के रहना, ये ना कैमरे लगे हुए हैं। ओवर स्पीड के हैं और भी 40 के, मतलब तुम 40 से अगर 41 भी हो रहे हो ना तो सीधा चालान पहुंच जाए घर पे, और कैमरे यहाँ लगे हुए। ये देखो गाइस कैमरा यहाँ पे है, और जो स्पीडोमीटर जहाँ पे दिख रहा था हमें 40, वो चीज वहाँ पे लगी हुई है। बाइकों का टोल भी कट गया आज। नहीं पूरा नहीं पहना यार, आधा ही टोल, सो इट्स अबाउट टोल। ओ भाई चाय आ गई, चाय देखो दे दो हाथ में दे दो। अरे भयंकर, ये तो स्नान कर दिया तुमने बाइक में भाई, छोड़ो रे पैंट भी गिर गया। अबे कितनी गिर रही है ये। ओए यार, पकड़ने का तरीका होना चाहिए, ये देखो ऐसे पकड़ते चाय को, मेरे पर गिर जाती गाड़ी के ऊपर भी गिर गई। चीयर्स आप लोगों को भी। आ चाय सेक्सी हो रही यार। हाँ मैं सो रही है, और इन वादियों में चाय के मजे चल रहे देखो गाइस। यो राइड में चाय की जो जरूरत होती है ना, वो बहुत अहमियत होती है, ये सारी थकान मिटा देती है हमारी। क्यों दा बहुत सही, देखो मैंने एनर्जी ड्रिंक पी भी लिया है, हमारे लिए स्टिंग है ना दा। और क्या ये हमारे लिए स्टिंग है, सही बोल रहे हो, मॉन्स्टर एनर्जी के बराबर, मॉन्स्टर एनर्जी कह रहे। ओ थोड़ी सी दूर और तब हम आपको दिखाएंगे बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे। तो ये रूट जा रहा है मसूरी का, और ये रूट जा रहा है धनोल्टी का, तो हमें लेना है ये वाला रूट। फिलहाल अभी तो नाश्ता करने रुकते हैं इन्हीं कहीं वादियों में। भाई भाई, भाई। नज़ारे देखो नज़ारे, ओहो बड़ा व्यू मैन, वहाँ देखो वहाँ जन्नत जन्नत, बिल्कुल लग भी नहीं रहा कि हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में है, सच में भाई जन्नत है जन्नत। सो इट्स अवर थर्ड ब्रेक, यो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, परांठे एंड चाय, आलू दे परांठे, पौधे विच अदरक दी चाय। ओहो पूरा स्वाद है, पूरा स्वाद आएगा भयंकर। अभी अभी थोड़ी बहुत एनर्जी आनी बाकी है,
बाकी जब एनर्जी आएगी तब करेंगे मैं आप लोगों से बात, बाकी तब तक आप ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो ये दो रास्ते कटते हैं तो हमें यहाँ वाले रास्ते में जाना है। तो ये वाला सिनेमैटिक कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमने इसमें बहुत रिस्क लेके बना रखा है, क्योंकि जो ट्राइपॉड था कभी नीचे फोन गिर जाए मेरे को ये नहीं पता था क्यों था रिस्क भी था, बहुत गिरने गुरने का और क्या फोन गिर जाए पर क्या हमारा कंटेंट नहीं गिरना चाहिए क्यों क्यों दोस्तों लाइक करो इसी बात में। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम स्पीति वैली में आगे होंगे, हर मोड में तुम्हें अलग अलग जगह ही मिल रही है देखने के। तो मीन्स ये गांव भी कितना प्यारा है यार, उस साइड बिल्कुल ब्राउन माउंटेन्स है और इस साइड पूरे ग्रीन माउंटेन्स, और हम उसके बीच में चलते हुए मुसाफिर। देखो हर मोड में मंदिर भी हैं, ये देखो एक और मंदिर, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड में हर मोड में तुम्हें मंदिर ही मिलेंगे। तो यहाँ से ऑफ रोड हो चुका है शुरू भाई, अब कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ेगा ही ना, होप्स हो के ज़्यादा ना हो ये, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स बाइक है एडवेंचर बाइक नहीं है ब्रो, बट फिर भी हम अपनी बाइक से एडवेंचर कर ही लेते हैं। दा कैसी लगी ऑफ रोड? तुम जो भी ट्रिप सोचते हो ना, जो भी ट्रिप ऑफ रोड रहता है ना भाई, बिना ऑफ रोड के तो एडवेंचर ही नहीं है। थोड़ी साइड लगाओ, यहाँ पे लगा दो इसके बगल में, सही है। मेरी गर्दन थोड़ी थक गई। हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ भाग रही है? आजा 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 आजा, ले ले ले, डर रही है। सो देवल सारी फेमस वैसे बटरफ्लाई के लिए भी है, तो ये देखो यहाँ पे जस्ट गांव के बाहर पे एक बोर्ड लगा है बटरफ्लाई का। यहाँ पे बाइक लगा देना, ठीक है? तो अंकल का बहुत बहुत थैंक यू भी, हमें पार्किंग की जगह दे दी, नीचे जाना है। सो वी आर इन देवलसारी और जस्ट वहाँ से ही रास्ता है अभी नीचे से ही, यहाँ से भी नीचे जाना है, बाकी भी बाइक पार्क करने आ रखे थे हम ऊपर, एंड हमारी आ चुकी है अभी चाय, मॉन्स्टर एनर्जी। तो भाई व्यू के साथ चाय चल रही है, चीयर्स। सो चाय वगैरह पी ली अभी एंड हम निकल गए हैं, हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है हमारा। देवप्रयाग बोल रहा हूं मैं, देवलसारी के लिए सॉरी सॉरी, फिर वापस जा रहा पड़ेगा जंगलों में। तो अभी एक्साइटमेंट लेवल हमारी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, इसलिए हम देवलसारी से देवप्रयाग पहुंच गए थे। सो बाइक तो अपन लोगों की वहां पे पार्क है और ये रास्ता जा रहा है नीचे। वाओ वो देखो कितना मस्त लग रहा है, कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी नहीं। ये देखो हार्ट, ये होम स्टे है क्या सारे? नहीं है, यहाँ पे लोग घर रहते हैं, यहाँ लोगों का गांव है ना यहाँ पे। अरे भाई तू तो यूनिक निकला यार बिल्कुल इन सब से, देखो यूनिक बॉय। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं देवलसारी, कैसा लग रहा है आपको? जगह है ना, हम यहाँ से जाने के बाद अपनी यादें मतलब इसको भूल ही नहीं सकते हम, मतलब इतना अलग फील हो रहा है कि भयंकर हम कहाँ आ गए, मतलब यार बिलीव ही नहीं हो रहा कि उत्तराखंड के अंदर है भाई, है ना। सो हियर इज देवलसारी टेम्पल, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, और इतने प्यारे प्यारे पेड़ है ना, चारों तरफ मेरे पेड़ ही पेड़ है गाइस। देखिए चारों तरफ मेरे पेड़ ही पेड़ है, कोहरा बहुत देख लिया आपने, पेड़ देखे। वाओ ये देखो कितनी प्यारी जगह है यार, मतलब हम जैसे सोच के आए थे ये उससे भी बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग।
बाकी जगह अच्छी थी, यादगार पल थे और सुकून वाली लाइफ इसे कहते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तो अगर आप मंदिर तक आ रहे हैं तो वहाँ पर अपने थोड़े भाषा को मर्यादा में रखें। हम देख रहे थे यहाँ पर इतने लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे माँ बहन की, जस्ट मंदिर के आगे। लोगों को लगता है कि बस अगर मंदिर में पूजा नहीं हो रही तो मंदिर बेकार है, बट ये गलत चीज़ है। अगर भगवान का मंदिर कहीं बना है तो उसका मतलब भगवान उसमें ऑटोमेटिक रह रहे हैं। अगर आप लोग ही अपनी जन्मभूमि अपनी मातृभूमि में चीजों की इज्जत नहीं करेंगे तो आप बाहर से आए हुए लोगों से कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ सच में, देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो कौन पसंद नहीं करेगा देखो। बट कूड़ा वगैरह मत करना यहाँ पे प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम अस एंड फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। द वे मेड इट, हर हर महादेव, जय शंभो। सो हमारा लंच आ चुका है देखो, कढ़ी चावल कैसा लग रहा। स्वादिष्ट की ये मत खाइयो बस, तो भी दिन का खाना खा ले, हमारे साथ लंच कर रहा है। ला। ओ। यहाँ पे रूम स्टे का क्या प्राइस है वैसे? 1500 खाना पीना के साथ एक आदमी का। सो सनसेट भी हो गया एंड ये यहाँ का होम स्टे है वैसे, यहाँ पे एक ही होम स्टे दिख रहा है मेरे को। तो अभी भैया हमें कमरे दिखा रहे हैं आके, बाकी बताता हूँ आपको। चलो 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 भैया, ये झालर भी यहाँ पे कि मच्छर मुच्छर ना आए यहाँ पे, सही है यार। अच्छा वैसे हीटर भी मिल जाएगा आपको देखो, सर्दियों के लिए पर्दे भी, मतलब यह है कि 8 लोगों के हिसाब से रूम सही है। राधे कृष्णा देखो, ओह अच्छा है। तो अंकल यहाँ के रेट मतलब चेंज होते रहते हैं या फिर एक ही रेट है यहाँ के हर महीने में? अच्छा, तो यहाँ तो एक ही बार खुलता है मंदिर? मंदिर दो बार खुलता है। दो बार, और कौन से रेट को? अप्रैल में और अगस्त में। अप्रैल में 15 तारीख बाद, 15 के बाद मतलब 17 तारीख तक खुलता है, मैंने देखा था शायद। तो 1500 पर पर्सन का यहाँ पे, ठीक है। मैं तो भैया का कांटेक्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप विजिट कर सकते हो फिर वहाँ से। बाकी चाय भी बहुत अच्छी थी और कढ़ी चावल बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था मतलब। तो कढ़ी चावल ओनली एक प्लेट सिर्फ 60 रुपये की थी और चाय 10 रुपये की, मतलब ऐसी जगह में, ये देखो ऐसी जगह में सिर्फ 10 रुपये की चाय, क्यों था? और कढ़ी चावल देने का तरीका ऐसा था जैसे घर में खा रहे होंगे, ऐसा भी नहीं। अरे बिल्कुल मेहमान वाला ट्रीटमेंट था भाई, बिल्कुल मेहमान वाला ट्रीटमेंट, मजा आ गया। ये ट्रिप तो हमेशा याद रहेगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर करी है, इवन ये होम स्टे भी मैंने इसमें कवर करा है। कमेंट जरूर करना एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी तो बहुत जरूरी है। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। योग नगरी राइडर, योग नगरी राइडर याद रखना ना।